Hello, standard 10. We will sitting on what is medium? Medium is we are telling of the data. Data को दिया जाए उसकी जो medium पे value आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं medium. अलग अलग each वाली value. Medium और input data ये हम line में पढ़ चुके हैं. N by n plus 1 by 2 observation if n is odd. अगर n की value odd है, right? तो ये formula है अगर n की value even है तो n by 2 observation इसका कोई जरूरत है नहीं. अभी जो टेन में है ये फॉर्मूला मीडियम ऑफ टू डेटा, राइट? टू डेटा मतलब क्लासेस जिसमें दिए है वो वाला होता है, ये बिना क्लासेस वाला, राइट? ये नाइन में पड़ेगा. एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ एफ इन टू एच. तो एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास, राइट? जो भी डेटा दिया उसको दूसरे डिवाइड करेंगे तो मीडियम क्लास में मिल जाएगा. एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट? सी एफ इज इक्वल टू क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास. मीडियम क्लास को ऊपर वाली लोग सी एफ को मतलब क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी वो सी एफ को देंगे, राइट? एंड एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, राइट? मीडियम क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो, और एच इज इक्वल टू क्लास साइज. क्लास की जो लेंथ है उसको क्लास साइज में एच को देंगे, राइट? सी भी हो जाए तो दोनों चलेगा, राइट? अभी हम एक्सरसाइज 14.3 का फर्स्ट सम कर रहे हैं. इसमें तीनों पॉइंट करते हैं, लेकिन पहले हम मीडियम मैप करते हैं. मीन मीडियम और मीन बनाते हैं. आंसर मीडियम क्या
क्या मिला था, 137 मिला, राइट। तो अभी वापस एक बार तो करें तो एन इक्वल टू एन बाई टू और इधर 68, राइट, टोटल 68 है, 68 अपॉन 2 होता है 24 होता है, 22 तक होता है यहाँ पर, राइट। तो 21 से 42 तक ये क्लास होता है, राइट। मिडिल क्लास 125 to 145, राइट। सी एफ पर से हमने मिडिल क्लास फाइंड किया, तो एन इज इक्वल टू क्या मिला है 125, एन इज इक्वल टू प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एन इन टू एच, 125 प्लस एन बाई टू कितना मिला 24 सी एफ, राइट। 24 से छोटा कौन सा है, 22 है, ये सब तो बड़े 24 से, राइट। तो जो छोटा है वो हमें लेना है मिडिल क्लास के ऊपर वाला, के लिए दोनों ही लेना है, राइट। मिडिल क्लास के ऊपर वाला है वो लेना है, 24 माइनस 22 अपॉन क्लास एवन सी लिए 20 और क्लास में लिए 125 प्लस 12 माइनस कर रहे हैं 27, राइट। अभी मोड फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो मोड की फॉर्मूला क्या है, मोड के लिए वापस टेबल बनाएंगे, मोड के अंदर सी एफ की जरूरत ही पड़ेगी, तो वापस राशि से फ्रीक्वेंसी लिखेंगे हम, राशि फ्रीक्वेंसी और दूसरा क्या लिखेंगे हमें, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो F1, उसके बाद F0 एंड F2। तो मॉडल क्लास कौन सा होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला 125 145, मॉडल क्लास इज इक्वल टू 125 145, राइट। तो मोड का फॉर्मूला क्या है, एल प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 C, एच भी लिख सकते हैं, राइट। तो एल दिया है 125, राइट, इसके ऊपर एल देगा 125, राइट। F1 कितना है 20 माइनस 13 20 हो जा 14 माइनस 13 माइनस 14, ये तो लास्ट टाइम कितने 20, तो 125 प्लस 7 into 20 30 plus 14 27, 14 minus 27, 125 प्लस 145 30, तो क्या आंसर मिलेगा चेक करो, जो मीन वाला पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके।